इंग्लिश में ही बात करना तुम। एक्सक्यूज मी सर। यस। आई एम बालू बलराज। ही इज मिस्टर बंटी। आई एम अ बुकेरिस्ट। बुकेरिस्ट? मैंने कम्युनिस्ट सुना है, टेररिस्ट सुना है, केमिस्ट सुना है, बुकेरिस्ट कभी नहीं सुना। थोड़ा इंग्लिश में वीक है आप, इंग्लिश में वीक है सर। सर बुकेरिस्ट यानी फ्लावर्स अरेंज करने वाला, समझे आप? फ्लावर्स अरेंज करने वालों को फ्लोरिस्ट कहते हैं, बुकेरिस्ट नहीं। अरे फिर तूने बुकेरिस्ट बोलने के लिए क्यों बोला था? चैरी ने तो ऐसे ही कुछ कहा था। आज के बाद कभी उससे मत पूछना, समझा? सॉरी। ओके ओके ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए सर, मेरे फूल वर्ल्ड फेमस है। एक और बात सर, आपके रेस्टोरेंट में रोजेस के अलावा एक और फूल है जिसका नाम है ग्लैडियोलस, बहुत अच्छे लगेंगे सर। हम हॉलैंड से ट्यूलिप्स मंगवाते हैं, अफ्रीका से जैस्मिन भी मंगवाते हैं सर, और ब्लू पिल्स बेल्जियम से सर। सर 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 सर, सर। एक बार आप इसे कान के पास ले जाकर नाक से सूंघिए, मजा आएगा। आपके होटल के लुक को ही बदल देंगे सर, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आपको हम 25% कमीशन देंगे। कमीशन? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी गिफ्ट के रूप में दीजिए। बस करो, हम आपसे कल सुबह मिलेंगे। जहां पना नमस्ते। सुन, क्या है? बड़े टेंशन में लग रहा है ये। जाके पूछता हूँ मैं। क्या बात है, तब से देख रहा हूँ बड़े टेंशन में लग रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम? नहीं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम। वन ऑफ आवर एमडीज आज डिनर पर आएंगी। लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया था, उस म्यूजिक वाले ने हाथ दे दिया। हमारा हाथ ले सकते हैं ना? हाथ का मतलब ये हैंड नहीं, म्यूजिक। म्यूजिक, ओह म्यूजिक इज फैंटास्टिक, आई नो इट वेरी वेल। यू नो म्यूजिक? यस। यू नो सैक्सोफोन? सैक्सोफोन क्या जी, ग्रामोफोन, टेलीफोन, सेलफोन सब मिक्स करके राजस्थान में बना के पाकिस्तान में फिक्स करके हिंदुस्तान में बजा दूंगा। जस्ट 5000 रुपए दीजिए। 5000? या You mean 5000? बाकी का 5000 फाउचर में लिखकर अपना कमीशन समझ लो। कमीशन नहीं, वही गिफ्ट समझ लो। म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत अच्छा, म्यूजिक का उस्ताद हो। इतना बोल दिया काफी है, तुम मेरी इज्जत बचा लो बस। देखो 2 घंटे में प्रोग्राम शुरू करना है। 1 आवर में स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, उनके आने में 2 घंटे लगेंगे। इतना अच्छा बजाएंगे ये पता होता तो और 20,000 मांग के दिलवा देता मैं। सर एमडी साहिबा आ रही हैं। ओह गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपको देखे बहुत दिन हो गए, प्लीज कम इन। आइए। व्हाट मैम, एनी प्रॉब्लम? लवली म्यूजिक। नो, लाइव म्यूजिक। लाइव? वाओ। मैंने ही अरेंज किया है मैडम, कैसा लगा? वेरी गुड, थैंक यू। आइए। क्या है जी? मेरा प्रमोशन मैडम। या लाइव म्यूजिक। प्लीज अपना काम कीजिए। ओके मैडम। आई थिंक ही इज वेरी इमोशनल अबाउट प्रमोशन। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे अभी मजा चखाती हूँ। जरा बजाना बंद करोगे? सॉरी, मुश्किल है। हटो। ये क्या, यही है आपका लाइव म्यूजिक? इसे लाइव रिकॉर्डिंग कहते हैं। हाँ। क्या यहाँ आप लोग इस वक्त बजा रहे हैं लाइव? सुनो, पता करो ये कौन है। मैं इस होटल की एमडी हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी छोटी सी स्कर्ट पहन के इतने बड़े होटल की एमडी बन गई, तो आप सचमुच बहुत ग्रेट है मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए मैडम, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक सुनना चाहिए। दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट। समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम। वन पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन बिकॉज़ पर्सन इज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज नॉट पर्सन। सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक, म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन। सो वेयर इज द पॉइंट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, वेयर इज द पॉइंट आस्किंग अबाउट द म्यूजिक। व्हाट क्या हुआ? तुमने म्यूजिक क्यों रोका? आप सही वक्त पर आए। आप ही बताइए, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक होना चाहिए ना? वही तो। दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट। समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम। सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन बिकॉज़ पर्सन इज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज नॉट पर्सन बिकॉज़ म्यूजिक इज म्यूजिक, पर्सन इज पर्सन। सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक, म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन। तो आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से दोहराता हूं। नहीं, अब दोबारा शुरू मत करो। गेट आउट। वर्कआउट नहीं हुआ, तुम ही बैठ के बजाओ। नहीं तो उसके अंदर सीडी है, उसको ऑन कर लो। हाँ लक्ष्मी, क्या है भैया? अच्छा, तुझे कैसा चूड़ीदार चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ? बेकार है, यहाँ कुछ ठीक लग रहा है। हाँ हाँ। हाय, मुझे लगा ये तुम्हारी चुन्नी नहीं है। क्या कहा? मेरी चुन्नी नहीं तो मैं क्यों पहनती? यही तो मैं समझ नहीं पाया। ओ, ऐसा क्या? जानबूझ के शॉप में घुस के सुंदर लड़कियों को छेड़ते हो, और जब मैं दिखाई पड़ी तो मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा तुमने, बोलो क्यों? देखिए देवी जी, जानबूझकर नहीं खींचा मैंने दुपट्टा, मैं सच कह रहा हूं, आपकी कसम। डोंट एक्ट स्मार्ट। देखो, मान लो तुमने गलती की है, मान लो। गलती मैंने की नहीं तो क्यों मानूं? अरे तुम जैसे स्ट्रीट रोमियो को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मान जाओ, नहीं तो चीटिंग केस में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। देखो ज़्यादा पहले गलती करते हो, ऊपर से ऊंचा बोल रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं। रुको। अरे बेटी छोड़ो भी, उसने जानबूझकर नहीं खींचा है, बोल रहा है ना। नो सर, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इनको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी दुकान में आएंगे तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटी, इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सिर हिलाने वाले दिखते शरीफ हैं, होते बदमाश हैं। नॉनसेंस, जहाँ लड़की देखी शुरू। हाँ, इडियट। हे, रुको। ये क्या किया तुमने? अनजाने में डोरों को। अच्छा, अनजाने में किया? और क्या? वैसे पूछने वाले, तुम कौन होते हो? एक मर्द हूँ, और फिर एक मर्द के साथ अन्याय हो रहा हो, यह मैं कैसे सह सकता हूँ? मर्द होना? हाँ बिल्कुल। हाँ क्या है? वहाँ अनजाने में मुझसे एक छोटी सी गलती हुई तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, और यहाँ इन्होंने अपनी इज्जत 50 साल से संभाल के रखी, उसे तुमने एक सेकंड में उतार दी। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? छोटे भाई, इन्होंने सब कुछ देख लिया। वैसे आपके झगड़े का मेरे पैंट पहनने से क्या संबंध है? बिल्कुल है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो केस खत्म होने तक गाड़ी वहीं पर रहती है ना, तभी तो उसको इंश्योरेंस भी मिलता है। ये भी वैसे ही है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन प्लीज, एंड द ब्यूटीफुल लेडी ओवर देयर। ओके, अब मुझको बोलने दो। देखो, तुम जानबूझकर इस शॉप में आई, और ये मोटू अंकल को जिन्होंने स्ट्राइप्स निकर पहनी, उस बबलू अंकल को अच्छी तरह ढूंढ के दरवाजा खोला देखने के लिए। क्यों? कौन? मैं? हाँ तुम ही। इन्हें देखने? हाँ इन्हें। ये क्या कोई बड़े फिल्म स्टार है जो मैं इन्हें देखूंगी? हाँ, फिल्म स्टार होता तो जरूर देखती। लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट दिस पॉइंट, जब पकड़ी गई तो कैसे मुंह छुपा रही है देखा? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? मैंने जानबूझकर नहीं देखा। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? गलती हो गई है, मान लो। नो। मैं कहता हूँ तुम गलती मान लो, वरना एडम टीजिंग केस में फंसा के अंदर करवा दूंगा, समझी? ये क्या है? आहा, गलती करके ऊंची आवाज में बोल रही हो। अरे बेटा छोड़ दो, अब छोड़ो भी, इसने जानबूझकर नहीं देखा, बोल तो रही है। नहीं सर, इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस जैसी अगर 4 लड़कियाँ शॉप में आ गई ना तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटा, इस लड़की को देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम करने वाले दिखते शरीफ है, होते बदमाश है। नॉनसेंस, अंकल को देखते ही बस यूँ आगे पीछे देखे बगैर ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं। Stop it! देखो मैं मान रही हूँ। क्या? जानबूझकर देखा, यही ना? ओके, वहाँ तुमने जानबूझकर चुन्नी नहीं खींची और यहाँ मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं देखा। ओके? ओके। छोटे भाई, तुमने मर्द होकर एक मर्द की इज्जत बचाई। वाह, तुम तो सचमुच के मर्द हो। कपड़े पहनो, तुम सलमान नहीं हो। Don't get into trouble with your teacher. Behave properly. Good morning, sir. आप अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करते हैं ना पवन कुमार जी? हाँ बेटी, तुम कौन हो? मैं प्रकाश की सिस्टर हूँ। कुछ याद आया? या, I remember. तुम्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। बिल्कुल सर, 6 महीने हो गए ट्राई करते हुए। फर्दर स्टडीज के वास्ते मैं US जाने की सोच रही हूँ। अब तक 2 बार रिजेक्ट हो गया है सर। सर प्लीज इस बार कुछ कर दीजिए ना। You don't worry. मैं अपने वीजा ऑफिसर से बात करके 2 घंटे में फोन करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई विल कॉल द पुलिस। ओके, यू कॉल द पुलिस, आई विल आल्सो कॉल द पुलिस। मैं बुलाती हूं। हेलो? या, हेलो वुमन पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो जेंट्स पुलिस स्टेशन। यू, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रुको भाई, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ मैडम? दूंगा समझ जाना, मैं कह रही हूं तेरा तो मुंह तोड़ूंगा। रुको, रुकोगे मेरा मुंह तोड़ोगे तुम? मैडम रुकिए, फिर से क्या बात कर रहा हूं मैं? आप लोग हेलो मोबाइल मुझे दो। देखो पुलिस का स्कूल में आना ठीक नहीं है, झगड़ा बंद करो। ये क्या कर रहे थे? देखो भाई, हमारे स्कूल की प्रेस्टीज मिट्टी में मिल जाएगी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। जाइए, ये लीजिए अपना मोबाइल। जाओ 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 जाओ। ना 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 ना, जाइए 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 जाइए। अरे चले जाओ वरना मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सर हाँ, बहुत बड़ी गलती होगी। क्या? सेलफोन्स को बदल के दे दिया आपने। हाँ। गुंडा, रास्कल, इडियट। हेलो, देखो भाई, मैं मोचन बोल रहा हूँ भाई। शाम को तुम होटल में आ जाना, ठीक है भाई? है? रेट वगैरह सब ओके है। तेरी सर्विस बढ़िया होगी तो और ज्यादा दिलाऊंगा, ठीक है? तुम कौन हो? वाइफ हो बालू की? कीप योर मैनर्स। ओ कीप हो तुम, अच्छा। डर्टी रास्कल, पागलों जैसी बातें करोगे तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। कौन हो तुम? बालू कहाँ है? बालू को फोन दो। बालू? बालू, ये अब मजा चखाती हूँ। मैं बालू की वाइफ बोल रही हूँ। बालू से क्या काम है तुम्हें? जानवर, बुद्धू, बेवकूफ, पागल, ब्रोकर, उल्लू के। गुड इवनिंग जहाँ पना। वही रुक जाओ, जहाँ पना अपना नंबर मुझे दिया और फोन अपनी बीबी को देकर मुझे गालियाँ सुनवाते हो। जब से होश संभाला मैंने इतनी गालियां आज तक कभी नहीं सुनी। जहाँ पना मुझे बोलने तो मेरा मूड बदलते देर नहीं लगती, किसी भी वक्त में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। जहाँ पना मेरी बात तो सुन। जहाँ पना मत बोलो। मेरा फोन मेरे पास है जहाँ पना। वैसे उसने क्या कहा? हाँ बेटी श्वेता, मैंने तुम्हारे लिए वीजा के बारे में बात कर ली है। काफी मुश्किल से ऑफिसर को मनाया है मैंने। बड़ा आया वीजा दिलवाने वाला दलाल कहीं का। बस कोई लड़की ने प्यार से 2 लफ्ज बोले, पिघल गया। कौन हो तुम? श्वेता कहाँ है? हाँ होगी वो कहीं पर, तुझे क्या लेना देना वीजा के ब्रोकर। तूने कभी एम्बेसी के ऑफिस से बाहर जाकर देखा है कितने मेहनती स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर भूखों पेट घंटों वेट करते हैं वहाँ पर? लड़की के बोलने पर फौरन इंटरेस्ट ले लिया। मुझे तो तेरी नियत पर शक हो रहा है। छी, खड़ूस कहीं का। ऐसे क्यों बोलते हो? इज्जत से बात करो। तुझको मैं इज्जत तुम्हें चिंपांजी, जुमानजी, वीजा दलाल, गंदी नाली के कीड़े, उल्लू की दो पागल कुत्ते। May I come in, sir? सर, क्या मेरा वीजा रेडी हो गया? आपने फोन क्यों नहीं किया? इस जन्म में ही नहीं बेटी, किसी जन्म में भी तुम अमेरिका में पैर तक नहीं रख सकोगी। मैं देखूंगा। Get out! ए सुनो मेरी बात, ये जोक नहीं है। मैं अपनी पहली सैलरी पर तुम सबको ट्रीट दे रही हूँ, ओके? जो चाहे तुम ऑर्डर कर लो। ए सुन, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? अरे भाई, कल से सेमेस्टर एग्जाम्स है ना, मुझे डर लगता है। डर लगता है तो मर जाओ। हाँ? डरने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी। मौत से डरो मत, चिंगारी से लड़ो, वही इंसान की फितरत है। बीच में डिशुम, डिशुम है, क्योंकि अब मैं डरती नहीं। डिशुम डिशुम। इंदु, कंट्रोल योरसेल्फ। ही करके हंसो मत, तुम कंट्रोल में रहो। ए, हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ए, अचानक क्या हुआ तुम्हें? कुछ ही देर में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? वहाँ देखो, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। बड़ा स्मार्ट है। ए, वो एक गुंडा है। जब मैं कहती हूँ तो उसे देखती क्यों? क्यों? तुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं? हाँ? चल बाहर चल। गेट अप। इनफ या कम ऑन, लेट्स गो। अचानक क्यों उड़ गई? अरे ये रुक क्यों गई? तूने देखा भाई, गनी वहाँ बैठा हुआ है। ये बिना कोई संबंध के यहाँ आ गई। हमें तो इसने गनी के बारे में बहुत कुछ कहा था। हमें अल्लू बनाती है तू। चल कॉलेज पहुँच, देखता हूँ। इंदु, क्या बात है? 1 मिनट। टू पेप्सी प्लीज। हाय, हमसे कहा वो गुंडा है और उसे पेप्सी दे रही है। फ्रॉड। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, फिर से मुझे जाने को मत कहना प्लीज। हम बातें करेंगे यहाँ बैठ के। ओके ओके, गुस्सा मत होइए, हम खड़े रहकर ही बात करेंगे। ओके ओके, आप मत बोलिए, मैं ही बात करती हूँ। वो येलो कोट वाला है ना, उसे देखिए। अच्छा वो उधर। उस दिन आपने भी इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी ना? अरे मेरे बारे में बोल रही है? और कॉर्नर में जो ऑरेंज कलर की शर्ट वाला है ना? अरे अब वो मेरे बारे में बोल रही है? वैसा ही चूड़ीदार मैंने पहना हुआ था उस रोज। यू नो, आई लाइक दिस पेप्सी बिकॉज इट्स ब्लैक एंड नॉट रेड। दिस चेयर इज रेड and your shirt is blue, white glasses, white shirt, yeah, everything is green around us. Don't you think so? Say something. क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हंसी चाहिए। Hey, no! Thank you. Help the homeless, sir. भैया, वही लड़की लगती है। कौन सी लड़की रे? हॉस्पिटल वाली भैया। हाँ, बेचारी भैया, वो वहाँ भीख मांग रही है। Thank you. Sorry. It's okay. Help the homeless, sir. अरे हाँ भाई, ये तो वही लड़की है। हमें क्या, वो जो भी करे। तुम्हें कुछ ज्यादा बोलने की आदत नहीं? हाँ, जितना कहा जाए उतना करो। Help the homeless, please. अनाथ बच्चों की मदद कीजिए। जरा छुट्टे दे दे। अभी दिया ना, दोबारा क्यों मांग रही हो? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। हेलो, आप ही से। थैंक्स। ये क्या कहा उस लड़की ने? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। ऐसा बोलने वाली वो कौन होती है? तुमने उसे पैसा दिया इसलिए वो बोली। तुमने पैसे उसे क्यों दिए? तुमने दिए ना भैया पैसे। ए, जरा इधर आ। क्या बात है, फिर से पैसे देंगे? क्या कह के गई तू? सर, क्या कह के गई तू? पाप करने वाले लोग दान करें तो। मैंने पाप किया या पुण्य तुम्हें कैसे मालूम? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? देखो, मुझसे पंगे मत लो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मालूम है या नहीं? मालूम है। क्या मालूम है? आप भले आदमी नहीं हो। हाँ। देखो, आखिरी बार कहता हूँ, आइंदा मुझसे टकराई ना। आगो। भैया, भैया वार्निंग क्यों नहीं है? टकरा कर रहे हैं। ए बालू, तू पकड़ा गया है रे। तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है। कानिया बुला रहा है तुझे। चलो, चल बे। ए, तुम सब लोग जाओ। ए, तुम लोग जाओ। चलो बाहर चलो। क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो, टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वहीं पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने कोई किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। मैं पहले कहीं तुम्हें देख चुका हूँ। वैसे मेरे भाई जैसा है। तुम किस काम से आए हो बताओ? ऐसे ही, कुछ खास नहीं साहब। महाकाली मार्केट बिकाऊ है, मुझे पता चला। ठाकुर बाबा ने कहा आप जितना कहेंगे उतने में हो जाएगा। आप किसी भी तरह डील करवा के मेरी हेल्प करो भाई। ठीक है, ठाकुर बाबा के दुबई से आते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? कुछ याद आया तो भूल जाओ। मेरे बारे में उसे बताएगा। मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। आप दिखाओ। गुड, नाइस इंप्रूवमेंट। अब तुम सीटी बजाना सीखो। ए, ए, ये क्या है? क्या सिखा रहे हो तुम? सीटी कैसे मारते हैं सिखा रहा हूँ। सीटी दूंगी एक तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। बदमाश। सीटी मारना बिल्कुल गलत नहीं, मेरे चाचू भी मारते हैं। तुम्हारे चाचू? आ, वो एक बड़ा बॉस और तुम उसके चमचे। एक दूंगी ना, आइंदा कभी तुझे ऐसे करते देखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुम चलो। सुनो, वैसे तुम्हारा चाचू समझता क्या है उसको बता देना। मैं देखने में ऐसी हूँ लेकिन बड़ी खतरनाक लड़की हूँ। अगर मुझसे उलझेगा तो उठवा दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी कहो मगर चाचू को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो मैं। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा बोल? हाँ उसको बताएगा? जा बता दे उसको, दो सींग लगे हैं जो मारेगा तेरी आंखें फोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी। पता नहीं अपने चाचू को क्या समझता है। हाँ? रुको रुको मैं चाचू को बुलाता हूँ। फिर से उसका नाम लिया तूने। ओए, रुको। चाचू क्या हुआ? हमारी फैमिली के बारे में बुरा भला बोल रही थी चाचू। मैंने तेरी फैमिली के बारे में थोड़ा ही बुरा कहा। तुमने मेरे चाचू के दो सींग लगे बोला था। चाचू से तो ज्यादा ये लफंगा लगता है। चाचू अगर कोई लड़की मुझे इस तरह कहती तो मैं अब तक पता नहीं क्या कर बैठता। बहुत उल्टा सीधा बोला। क्या गालियाँ भी दी तुम्हें चाचू? अच्छा इधर आ। क्या? क्यों डांटा इसको? ये सीटी बजाना सिखा रहा था लिली को। ठीक है तो टीचर को कंप्लेंट करो या मुझे बताओ। लेकिन ये गालियाँ क्यों दी तुमने उसको? इसने दारू तो नहीं पिलाई या बीड़ी सिगरेट पीना तो नहीं सिखाया? ऐसा क्या कर दिया इसने? सीटी बजाना सिखाया चाचू। बस सीटी बजाना सिखाया ना, इसके लिए तुम उसकी आंखें फोड़ दोगी, हाथ पैर तोड़ दोगी। हाँ सिंग सिंग, मेरे दो बड़े बड़े सिंग हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? उन सिंग से मैंने तुम्हें कभी मारा? टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू आर टॉकिंग टू मच। हे यू आर टॉकिंग टू मच। गो बैक, गो बैक। ओके आई एम गोइंग बैक, यू आर कमिंग फॉरवर्ड। हेलो ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? ये पोर्शन खाली नहीं है। हम खाली है साहब। तुम खाली हो सकते हो, ये खाली नहीं है। कहाँ से हो? इस घर में नए किराएदार हैं हम। अरे ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए। राजेश्वरी जी तुम्हारी क्या लगती है? उनका ये बेटा लगता है। तुम इसके क्या हो? तुम जो भी समझ लो भाई। अच्छा अच्छा काम वाला होगा। शौक के होते हो? ये टिफिन जो हाथ में है। हम लोग शहर में नए आए ना, इसलिए खाना वगैरह बनाना शुरू नहीं किया, बाहर से ही लाते हैं, समझ गए? ओके ओके ओके। रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह जानते हो ना? जानते हैं सब। रात में कितनी भी बिजली यूज कर सकते हो, लेकिन 9 बजे के बाद मेन बंद कर दोगे। दीवार पर कितने भी कैलेंडर लटका सकते हो, लेकिन कील नहीं ठोकोगे। ना समझ। पानी तो मैं जैसा कहूँ वैसे। पानी के बारे में मत सोच, हम पूरे साल के नहाते रहेंगे। कोई काम नहीं है क्या हमें? फेस्टिवल के दिन ही नहाएंगे। देखिए फिक्र मत कीजिए, आपके घर को हम अपना ही घर समझेंगे। बड़ी खुशी हुई। चल बड़ी। और तुम रेंट मत मांगना। बन्नो आजा आजा। सुनो भोजन तैयार है, चलो उड़ाते हैं, आ जाओ। ए चेरी। चाचू मेरे स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? क्या 1 महीना और लगेगा? नहीं बेटा, तुम बहुत फिक्र करते हो ना, इसलिए स्कूल वालों ने कल ही बुलाया। क्या कल? और क्या? ठीक है। कोई एजुकेशन है ना? तुम्हें एजुकेशन से मतलब है या कोई एजुकेशन से? एजुकेशन के साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए चाचू। ओहो सही बोला। इसने भी ऐसा ही सोचा था, इसीलिए आज टिफिन उठा रहा है। भाभी इस शैतान को जरा कंट्रोल में रखो। क्या बात है बालू? अब इसी से पूछ लो। क्या बकवास कर रहे थे चाचू से?